हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंसोम्निया स्टूडियोस। मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कैसे आप अपने घर में गिटार्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने ये सेम टॉपिक कवर किया था। वहां पे मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई थी, मेथड्स बताए थे कि कैसे आप अपने गिटार्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको कार्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से मेथड्स और बताने वाला हूँ एंड कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में भी बताने वाला हूँ जिससे आप गिटार्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। जनरली आपने दो टाइप के माइक्रोफोन जरूर देखे होंगे, एक कंडेंसर माइक्रोफोन्स एंड एक कंडेंसर माइक्रोफोन्स कुछ इस टाइप के। इनको आप पेंसिल माइक्रोफोन्स भी बोल सकते हो या फिर शॉटगन माइक्रोफोन्स भी बोल सकते हो। बेसिकली ये वाले जो माइक्रोफोन्स होते हैं, ये जो पेंसिल माइक्रोफोन्स होते हैं, ये स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो ये बेसिकली आपका इंस्ट्रूमेंट माइक्रोफोन भी आप इसे बोल सकते हो। बट आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक मेथड देखने वाले हैं जिसमें हम एक नहीं दो माइक्रोफोन से अपने गिटार्स को करेंगे रिकॉर्ड। आप बोल सकते हो स्टीरियो हम रिकॉर्ड करेंगे। सो गिटार्स जो हम रिकॉर्ड करते हैं वैसे तो मोनो में होते हैं, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो हम स्टीरियो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं इन दोनों माइक्रोफोन्स के साथ। अब मैं ओपन करता हूँ क्यूबेस। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा क्रिएट एम्प्टी प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे ओपन हो चुका है क्यूबेस। आपको सबसे पहले अपना ऑडियो ड्राइवर सिलेक्ट करना है। सो आपको जाना है स्टूडियो, स्टूडियो सेटअप एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा सिलेक्टेड है ऑडियंट यूएसबी ऑडियो एज योर ड्राइवर। ओके, देन यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक एड ऑडियो ट्रैक। देन यहाँ पे आपको अपना चैनल सिलेक्ट करना है। इस केस में हम दो माइक्रोफोन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम दो ट्रैक ऐड करेंगे। यहाँ पे है हमारा माइक इंस्ट्रूमेंट वन, कॉन्फिग्रेशन मोनो यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे आप नेम भी दे सकते हो। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेफ्ट एड ट्रैक। देन अगेन हमें यहाँ पे करना है राइट क्लिक एड ऑडियो ट्रैक। एंड यहाँ पे अब हमें सिलेक्ट करना है माइक लाइन टू। देन यहाँ पे भी आप नेम दे सकते हो एड ट्रैक। अब हमें एट अ सेम टाइम दो ट्रैक्स रिकॉर्ड करने हैं। सो यहाँ पे आप दोनों को कर दोगे आर्म एंड अब रिकॉर्डिंग के बटन पे आप करोगे क्लिक। तो विशाल रेडी हैं गिटार्स के साथ एंड आप देख सकते हो दो माइक्रोफोन सेट हैं, एक है लेफ्ट में एंड एक है राइट में। दोनों माइक्रोफोन हम सेम यूज़ कर रहे हैं, MXL 990। एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस है माइक्रोफोन टू गिटार का वो है 6 to 8 inches एंड माइक्रोफोन टू माइक्रोफोन का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 24 inches। सो विशाल एक बारी आप प्ले करिए। अब हम ट्राई करेंगे अपना शॉटगन माइक्रोफोन या फिर आप बोल सकते हो पेंसिल माइक्रोफोन। सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक ट्रैक एंड यहाँ पे अब आपको चूज करना है जिस चैनल पे आपका वो माइक्रोफोन कनेक्टेड है। इस केस में मेरा फर्स्ट पे कनेक्टेड है, सो यहाँ से मैं चूज करूंगा फर्स्ट बिकॉज मैं माइक चेंज कर चुका हूँ। एंड यहाँ पे आप नेम दे सकते हो ऐड ट्रैक। एंड यहाँ पे अब आपको अगेन गेन को सेट करना होगा बिकॉज यहाँ पे आपने माइक्रोफोन को चेंज करा है। सो गेन एक बारी सेट कर लेते हैं फिर से। तो यहां पे गेन सेट हो चुकी है एंड आप देख सकते हो लेवल अब इंक्रीज हो गया है बिकॉज यहां पे हमने माइक्रोफोन चेंज करा है। सो इसको करते हैं मिनिमाइज एंड यहां पे अब इसको करते हैं रिकॉर्ड। तो अब यहां पे हमने माइक्रोफोन को चेंज कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हो पेंसिल माइक्रोफोन आपको दिख रहा है एंड जो पोजिशन है वो है ब्रिज पे हमने रखा है माइक्रोफोन को। एंड अभी जो डिस्टेंस है गिटार एंड माइक्रोफोन का वो है अराउंड 6 to 8 inches ही। सो विशाल एक बारी प्ले करो। तो यहाँ पे अब हमने माइक्रोफोन की प्लेसमेंट को चेंज कर दिया है। अब माइक्रोफोन हमने प्लेस किया है 12th fret के अराउंड, 12th fret एंड 13th fret अराउंड इसकी प्लेसमेंट है। एंड यहाँ पे अगेन जो डिस्टेंस है माइक्रोफोन एंड गिटार का वो है 6 to 8 inches। विशाल एक बारी प्ले करो।
तो अब हमने माइक्रोफोन को प्लेस किया है साउंड होल के सामने। आप देख सकते हो यहाँ पे साउंड होल के सामने प्लेसमेंट है, एंड अगेन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 6 to 8 inches का। विशाल एक बारी प्ले करो। तो अब आ चुके हैं हम अपने DAW में। Cubase LE में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है लेफ्ट ट्रैक जो हमने रिकॉर्ड किया था, एंड राइट ट्रैक। यहाँ पे ये दोनों ही जो ट्रैक्स हैं ये मोनो में हमने रिकॉर्ड करे हैं। एक बारी मैं आपको सुनाता हूँ इसको। अब सेकंड सुनते हैं। तो जैसा कि आप सुन सकते हो यहां पे दोनों जो ट्रैक्स हैं वो सेम टाइम पे तो रिकॉर्ड हुए हैं, सेम माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन यहां पे जो स्टीरियो फील्ड है, जो साउंड है, वो दोनों की डिफरेंट है। तो अब हमें इसको स्टीरियो बनाने के लिए क्या करना होगा, लेफ्ट को हम लेफ्ट में पैन कर देंगे एंड राइट को हम राइट में पैन कर देंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूँगा, अगर अभी आपको लग रहा है कि ये सिर्फ लेफ्ट में आ रहा है तो ऐसा नहीं है, ये आपको लेफ्ट और राइट दोनों में आ रहा है बिकॉज ये एक मोनो चैनल है। एक बारी मैं आपको प्ले करके फिर से सुनाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे लेफ्ट एंड राइट दोनों आ रहा है, एंड अगर मैं इन दोनों को साथ में प्ले करूँ तो अभी भी ये जो ट्रैक है ये मोनो ही है, ये स्टीरियो साउंड नहीं कर रहा है। इसको स्टीरियो साउंड कराने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला जो ट्रैक है उसको हम लेफ्ट में पैन कर देंगे एंड जो राइट वाला है उसको हम राइट में पैन कर देंगे। और अब एक बारी सुनते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे साउंड में डिफरेंस आ चुका है, स्टीरियो साउंड कर रहा है। आप प्लीज़ अपने हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स पे ही इसको सुने, तभी समझ में आपको आएगा। बट यहाँ पे एक इशू क्या हो रहा है, जो आप सामने वेवफॉर्म से देख सकते हो, यहाँ पे जो राइट वाला ट्रैक है उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, वेवफॉर्म थोड़ी सी ज़्यादा है, एंड अगर हम लेफ्ट को देखें तो वहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी सी कम है। तो काइंड ऑफ राइट साइड में, राइट ईयर में आपको ज़्यादा वॉल्यूम सुनाई दे रही है। तो अब हमें क्या करना है, इस साउंड को करना है बैलेंस, इन दोनों के लेवल को करना है बैलेंस। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मिक्सर ओपन कर लेता हूँ, एनलार्ज कर लेता हूँ। अब मैं प्ले करूँगा एंड यहाँ पे बैलेंस करूँगा। तो जैसे कि अब आप सुन सकते हो यहाँ पे अब हमने साउंड को बैलेंस कर लिया है। साउंड में अभी भी डिफरेंस है, वही एक स्टीरियो साउंड आपको मिल रही है, बट वॉल्यूम कहीं ना कहीं वो बैलेंस हम कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे इसमें कैरेक्टर ऐड करने के लिए मैं ऐड करूँगा एक कंप्रेसर को। F3 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मेरा मिक्सर कॉन्सोल ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से मैं मास्टर पे ऐड करूँगा एक कंप्रेसर। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ CLA-3A। तो थोड़ा सा इसको कंप्रेस करते हैं, थोड़ा सा एक कैरेक्टर दे देते हैं। Thank you.
तो जैसा कि आप सुन सकते हो, यहाँ पे कैरेक्टर ऐड हो गया है हमारे स्टीरियो गिटार जो हमने रिकॉर्ड करे हैं। तो अब एक बारी साउंड सुन लेते हैं यहाँ पे जो हमने इंस्ट्रूमेंट माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया था। ये जो पोजीशन है ये है ब्रिज पोजीशन, सुनते हैं एक बारी। मैं इसमें कैरेक्टर भी ऐड कर देता हूँ, कंप्रेसर मैंने ऑफ कर दिया था, कंप्रेसर ऑन कर देता हूँ। तो आप सुन सकते हो किस टाइप का आपको आउटपुट मिलता है। मैं ट्राई करूंगा ये सारी फाइल्स आपको रॉ फाइल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूं। सो अब एक बार ही सुन लेते हैं जो 12th फ्रेट पे हमारी पोजीशन थी इंस्ट्रूमेंट माइक्रोफोन की। यहां पे कंप्रेसर ऑन है, तो अब हम साउंड सुन लेते हैं जब हमने इंस्ट्रूमेंट माइक्रोफोन को प्लेस किया था साउंड होल के सामने। विशाल एक बारी प्ले करो। लास्ट एक बारी और सुन लेते हैं हम जो हमने स्टीरियो रिकॉर्डिंग करी है अकूस्टिक गिटार की। तो जैसे कि आपने रिजल्ट्स देखे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा रिजल्ट आपको ज्यादा पसंद आया है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको ज्यादा पसंद आया है, इंस्ट्रूमेंट माइक्रोफोन या फिर जो नॉर्मल हमारे कंडेंसर माइक्रोफोन्स होते हैं वो। एंड आपको मैं बताना चाहूंगा ये जो पेंसिल माइक्रोफोन है ये भी कंडेंसर माइक्रोफोन ही है, बट जो इसका कैप्सूल होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, सो दैट वो इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से रिकॉर्ड कर ले। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से आपको कौन सा मेथड बढ़िया लगा है। वैसे मैंने आपको ये मेथड दिखाया है स्टीरियो मैच्ड पेयर वाला, जनरली आप इस टाइप से रिकॉर्ड नहीं करोगे, बस एक आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये मेथड आपको दिखाया है। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैं ट्राई करूंगा कि दो इंस्ट्रूमेंट माइक्रोफोन से अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। उस वीडियो में अगर इंटरेस्टेड हो सो इस वीडियो को कर दो अभी के अभी लाइक, और अगर वीडियो अच्छा लगा है ना ये वाला तब भी लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर पहली बार आए हो तो। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।